एक मिनट के अंदर आपको मिलेगा रिडीम कोड और आप कीजिएगा अप्लाई यूट्यूब अवार्ड के लिए। जैसे कि यह मेरा है सिल्वर प्ले बटन, तो सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई और एक महीने के अंदर आपको मिल जाएगा आपका सिल्वर प्ले बटन। तो आज के हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर सिल्वर प्ले बटन कैसे हम अपने घर तक मंगाते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या समस्या होता है, सारे पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको यूट्यूब का ये जो सिल्वर प्ले बटन है इसे कब दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब आपके चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। यह दोस्तों अवार्ड के रूप में आपको दिया जाता है। इस सिल्वर प्ले बटन से आपको सम्मानित किया जाता है कि आप 1,00,000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे कंप्लीट किए हैं। इसके लिए आपका चैनल साफ सुथरा होना चाहिए, खुद का आपका वीडियो होना चाहिए और सही वीडियो आपका होना चाहिए। और दोस्तों, जब आपके चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है रिडीम कोड, वो आपके जो आपका YouTube चैनल का डैशबोर्ड है उसी में ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, आपको मेल करके भी बता दिया जाता है। अगर मैं अपना बात करूं तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जब 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया था और एक सप्ताह तक जब मुझे सिल्वर प्ले बटन के लिए रिडीम कोड नहीं मिला तो हम यूट्यूब टीम से संपर्क किए, वह चैट पर संपर्क किए, तब दोस्तों हमें पता चलता है कि हमें सिल्वर प्ले बटन के लिए रिडीम कोड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल के अंदर काफी बड़ा समस्या है। वो समस्या क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करते थे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग को लगा देते थे, जिसके वजह से वह दोस्तों मिसलीडिंग मेटा डेटा में चला जाता था और दोस्तों मुझे रिडीम कोड नहीं मिला। साथ ही साथ दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत ऐसे ऐसे वीडियो भी बना दिए थे जो लोगों को ठेस पहुंचाती थी, यानी कि दोस्तों लोगों को उससे हेट मिलता था। और दोस्तों काफी लोग ऐसे भी थे जो कि मेरे ऊपर गलत सलत वीडियो बना दिए थे। तो दोस्तों क्या होता था कि जब हम यूट्यूब टीम को बोले कि मुझे रिडीम कोड चाहिए सिल्वर प्ले बटन के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है, तो दोस्तों वो लोग जब मेरे चैनल पे जाके चेक किए तो सबसे पहले तो मेरा गलती पकड़ा है कि डिस्क्रिप्शन में हम टैग डाल के रखे हैं, जिसकी वजह से व्यू तो मुझे ज्यादा मिल रहा था लेकिन दोस्तों वो गलत है। तो दोस्तों उसके लिए भी मुझे रिडीम कोड नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ हम अपने चैनल पे गलत सलत वीडियो बना के रखे थे काफी लोगों के ऊपर, तो दोस्तों वो भी था। और दोस्तों काफी लोग मेरे ऊपर भी वीडियो बना के रखे थे कि मंगेश कुमार ऐसा है वैसा है, तो दोस्तों हम क्या किए कि वो लोग बोल दिए कि आपको रिडीम कोड नहीं मिलेगा, पहले इस गलती को सुधार कीजिए। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी टैग था सारा का सारा हटा दिए और दोस्तों मेरे चैनल पर जितना भी गलत सलत वीडियो था जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था सारे वीडियो को डिलीट कर दिए। लगभग 200 वीडियो को हम डिलीट किए। और दोस्तों उसके बाद एक महीने के बाद फिर से हम यूट्यूब टीम के पास मेल करते हैं और चैट में बात करते हैं कि हम गलती को हटा दिए हैं, जो भी मेरे चैनल पर गलती था वो सबको हम सुधार कर दिए। तब भी दोस्तों वो लोग मुझे जवाब देते हैं कि भले ही आपके चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी भी आपको रिडीम कोड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ये जो चैनल है मंगेश कुमार इसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो दोस्तों अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि अरे भाई सारा गलती तो हम सुधार कर दिए हैं, कोई सटीक जानकारी मुझे नहीं दे रहे थे कि आखिर आपके अंदर क्या गलती है। तब दोस्तों मुझे समझ में आया कि दोस्तों लोग मेरे ऊपर गलत सलत वीडियो बना के रखे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने चैनल का नाम ही चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा चैनल पकड़ में नहीं आएगा। तो दोस्तों हम क्या किए, पहले नाम था मेरे चैनल का नाम मंगेश कुमार, उसके बाद हम चैनल का नाम चेंज करके यूट्यूबर मंगेश लिख दिए। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे गलती था, गंदा संदा वीडियो था, सारा को डिलीट कर दिए। और दोस्तों फिर एक महीना इंतजार करने के बाद हम यूट्यूब टीम के पास मेल भी करते हैं और मेल में क्या लिखते हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और दोस्तों चैट पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों वहां पर वो लोग टाइम मुझसे लिए, जब चैट पर हम बात कर लिए, मेल का कोई वैल्यू नहीं था, चैट पर जब हम बात किए तो वहीं पर मुझे जवाब मिला। वो बोले कि आपको 5 से 7 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, हमारी टीम आपके चैनल को चेक करेगी, उसके बाद आपको रिडीम कोड दे दिया जाएगा। तो भैया 5 से 7 दिन इंतजार कीजिए। और दोस्तों 8वां दिन मुझे रिडीम कोड मिल जाता है, मेरे चैनल के डैशबोर्ड में दिखाई देने लगता है। तब भैया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, फटाक से हम सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर दिए। कैसे किए वो मैं अब आपको अपने वीडियो में दिखाता हूँ, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च लिस्ट पर क्लिक करके आपको studio.youtube.com लिख के सर्च कर देना है, यानी कि आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड पे चले जाना है, किसी भी तरीके से आप क्यों ना चले जाइए। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको मिला होगा आपका रिडीम कोड। यहाँ पर दोस्तों आप ऊपर की तरफ पढ़िए कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर रिडीमशन कोड लिखा गया है जो कि यह है, तो इस पर दबा के रखिए, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका जो रिडीम कोड है यह हो गया है कॉपी। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरीके से इस साइड में जाना है, इस साइड में जाइए और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा
क्लेम अवार्ड्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लेम अवार्ड पे। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपना रिडीमशन कोड डाल देना है जो आप कॉपी किए थे, तो यहाँ पर दबा के रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दबा के रखिए, पेस्ट आएगा, पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर रिडीम अवार्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। हम चलिए फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर चलने लगा और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब होता है यहाँ से आपका सारा खेल स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल का नाम डाल देना है। यहाँ पर देखिए YouTube चैनल नेम पूछ रहा है, तो दोस्तों नॉर्मल बात है, जो भी आपके चैनल का नाम है वहीं सही सही स्पेलिंग लिख दीजिए। तो चलिए हम इस बॉक्स में अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, जो वहाँ पर लिखिएगा वहीं आपके सिल्वर प्ले बटन पर लिखा हुआ आएगा जो कि नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अप्रूव एंड चेकआउट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो भैया यहाँ पर आपका यहाँ पर एडिंग हो रहा है और थोड़ी देर तक वेट कीजिए, उसके बाद आपका यहाँ पर सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो थोड़ी देर तक यहाँ पर आपको वेट करना है जब तक यहाँ पर यह लाइन घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं और भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी पैसा इसके लिए आपको पे नहीं करना है, यह आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है वही जीमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर कंट्री आपसे पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका कंट्री है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा है इंडिया, तो दोस्तों मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका देश होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी देश में आपका यह भेजा जाता है। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पर हम क्लिक कर देते हैं, इंडिया आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप उन्हीं का नाम डालिएगा जो इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। जैसे कि डिलीवरी बॉय आएंगे तो वह यहाँ पर आईडी प्रूफ आपसे इसी में भरने के लिए आएगा। जैसे कि नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे आधार नंबर नहीं तो पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर वो डालना पड़ेगा। तो जिनका आप आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं उन्हीं का आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। और जब सिल्वर प्ले बटन आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा तो वह आईडी प्रूफ डिलीवर जो डिलीवरी बॉय आएंगे वह आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे और आपका नाम चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको सिल्वर प्ले बटन देंगे। तो दोस्तों आपके एडसेंस अकाउंट में जिनका नाम है उन्हीं का आप डाल दीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो आप अपना भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एडसेंस वाला ही डालिए, जिससे कि दोस्तों और ज़्यादा चांस है कि जल्दी से जल्दी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर कंपनी अगर आपके पास आए तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर तीन लाइन में आपको एड्रेस लिखने के लिए आया है, तो जितना में आपका पूरा एड्रेस अट जा रहा है उतना में लिख दीजिए। जैसे आपके एडसेंस अकाउंट में एड्रेस है वैसे डाल दीजिए, जिससे कि उसी एड्रेस पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिटी पूछ रहा है, तो आपके एडसेंस अकाउंट में सिटी भी आपका होगा, आपके आधार कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ होगा, तो वो आपको डाल देना है। यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, मैं हूँ बिहार से तो बिहार पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जीप पोस्टल कोड पूछ रहा है, तो आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि मेरा 84 34 33 है। तो दोस्तों जो भी आपका पोस्टल कोड पिन कोड जीप कोड है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वह मोबाइल नंबर डालना है जो आपका हमेशा चालू रहता है और आपके एडसेंस अकाउंट में डाला गया है, जिससे कि जो डिलीवरी बॉय है वह आपके पास आए तो आपको कॉल करके बता दे कि भैया आपका ऑर्डर है, पार्सल है, आप आके ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है VAT नंबर, यानी कि VAT नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर VAT नंबर पूछ रहा है, तो VAT नंबर अगर आपके पास आए तो डालिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। अगर आगे नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर VAT नंबर डालना जरूरी है, अगर आपके पास VAT नंबर नहीं है तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम भी अपना पैन कार्ड नंबर ही इसमें डाले थे, लेकिन आप ना ही डालिएगा यहाँ पर VAT नंबर, ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा, इसी में आपका भलाई है, नहीं तो दोस्तों गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर, यानी कि पैन आईडी पूछ रहा है, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाला में अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए और नीचे वाले में आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सारा कुछ मैं भर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलता हूँ। सारा अपना डिटेल्स डाल दिया हूँ, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि नीचे की तरफ आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भैया यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों आपको इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपना सारा कुछ
कुछ मिला लेना है। जो भी आप डाले हैं क्या आपका वो सारा कुछ सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो लेके रख सकते हैं। अब दोस्तों आपका संतुष्टि हो जाता है कि जी हाँ भैया मैं सही तरीके से सारा कुछ डाला हूँ, तो अब आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा भैया यहाँ पर ये आपका ऑर्डर हो गया। अब दोस्तों हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, हमारा ऑर्डर हो चुका है, अब हमें एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। एक महीने तक इंतजार कीजिएगा तो दोस्तों आपका ये जो सिल्वर प्ले बटन है, जैसे कि मेरा है दोस्तों, यह अमेरिका से आता है। जब हमारे इंडिया में आ जाएगा तो UPS की तरफ से आपके पास कॉल आएगा और वो लोग बोलेंगे आपको कि भाई साहब आप KYC कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका जो पार्सल है इंडिया में आ चुका है। जब तक आप KYC कंप्लीट नहीं करते तब तक हम इस पार्सल को आपके पास भेजेंगे नहीं। तो दोस्तों वहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स को डालना पड़ता है, वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन रहता है, उसमें से दो कोई भी आप दे सकते हैं। और दोस्तों वो KYC कंप्लीट करने के बाद ही आपको यह सिल्वर प्ले बटन आपके घर पे भेजा जाता है। तो दोस्तों यहां तक इस वीडियो में था, अगला वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें मैं KYC वाला बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो बन के तैयार है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप चाहते हैं तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हाल फिलहाल इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आज के जो विनर है उनके वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए उनके वीडियो को देखिए। अगर दोस्तों आप भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक डलवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपके वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों कोड मिल गया होगा उसका स्क्रीनशॉट मारिए, मुझे ट्वीट कीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपके वीडियो को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।